बग्गा। अच्छा, दीदी के घर की सफाई चल रही है। कभी दीदी के घर के जाले झाड़े जाते हैं तो कभी दीदी के घर के जो है सफाई उफाई चलती है। बारिश का महीना है, पवन करता है शोर, और इस शोर में हमार जिज्जी करती है कुछ अजीब हरकतें। विगत दिनों में उसने काफ़ी कुछ अजीब चीज़ें करी हैं, आप सबने देखा होगा। लेकिन आज बग्गे ने क्या किया है, आज बग्गे ने एक काम किया है दर्शकों। असल में उसने देखा कि भाई काफ़ी कुछ यहाँ पे भर जा रहा है, कीचड़ हो सकता है। ऊपर की छत पे भाई ईंटें लगवा दी हैं क्योंकि सरिया निकली थी। अब सरिया से वो कपड़ा वाला हिसाब किताब जोड़ना चाहता था कि बंधवा देंगे, लेकिन परेतिन का कहना है कि देखो हमको ऊपर नीचे आने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए यहाँ पर सरिया नहीं बांधी जाएगी। तो बग्गे ने क्या किया है कि सरिया के चारों तरफ ईंटें रखवा दिए हैं ताकि भाई किसी के पैर वैर में ना लग जाए। इसके अलावा भाई जहाँ से पानी जाता है तो वहाँ पे कुछ सीमेंट बह के आई है। अब नया नया घर बना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कण कहीं ना कहीं सीमेंट के होंगे, जो पानी के साथ बहाव में आके जहाँ पे थोड़ा सा खाली लगता है वहाँ जम जाते हैं। तो बग्गे ने सोचा कि क्यों ना आज हम इसको ना साफ सफाई कर दें, नहीं तो बारिश में पाइप जाम हो जाएगा तो भाई ऊपर वाले घर में ना समस्या हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। वैसे बग्गे ने वहाँ का जो जमा हुआ कचरा कीचड़ था वो तो साफ कर दिया, लेकिन 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 परेतिन के दिमाग में जमा हुआ कचरा बग्गे के बस के साफ करने की है नहीं। काश कि परेतिन के दिमाग में जितना कीचड़ जितना कचरा जमा है काश कोई साफ कर पाता, बग्गा न सही तो कोई और सही। लेकिन आप सबको पता है विगत दिनों में हमने देखा है कि ये सारे जिद्दी हैं। बड़कन्नी जिज्जी ने बताया था, छुटकन्नी ने भी बताया था कि हमारे यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई किसी का रोक टोक नहीं करता है, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वच्छंद हैं, मन मौजी हैं, रंग रसियां हैं, जिसका जो मन करता है वो करता है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है। विगत दिनों में हमने ये कई बार सुना है। तो हालांकि जिज्जी का जो कचरा है और कीचड़ है दिमाग का, छत वाला नहीं, वो तो बग्गा साफ कर दे रहा है, वो चरम सीमा पर पार कर गया है। एक मानवता होती है और मानवता जिज्जी के मुंह में अब बिल्कुल भी नहीं है, जुबान में बिल्कुल भी नहीं। कहती हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग इस प्रकार की हरकतें इस प्रकार की घटिया चीज़ें नहीं करते हैं। उनके ट्रू वालों को लगता है कि सिर्फ दीदी ही औरत है, सिर्फ दीदी ही लड़की है, बाकी अंकुश की बहन अंकुश की माँ वो भाई महिला नहीं है, औरत नहीं है, लड़की नहीं है। वो का है वो पता नहीं का है, क्योंकि उनके बारे में चाहे जो बोलो चाहे जो इल्ज़ाम लगाओ, इल्ज़ाम ट्रू वाले भी लगा रहे हैं और दीदी वहाँ पर जाके उसकी पुष्टि कर रही हैं कि हाँ हाँ ऐसा DNA करा दो, बहन के बच्चों के करा दो, परिवार के इनके परिवार के बच्चों को कराना चाहिए, परिवार में और कौन है तो इस प्रकार की घटिया हरकतें घटिया सोच, सोचो कितनी निम्न गिरी हुई सोच है इनकी। इस प्रकार की अंकुश की बहन बहन नहीं, मैं ट्रू वालों आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है आपके जो मतभेद हैं, विचारों के मतभेद हैं, किसी और चीज़ के हैं, जलन है, ज्वालामुखी है, उसको इस लेवल पे वो भी सोशल मीडिया। आप देखो दर्शकों, चीज़ आज मैं बोलना चाहूंगी, जो बंदी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिना किसी डर के कि लोग उसको जज करेंगे, लोग जान जाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऑफ कैमरा कितनी घटिया शब्द यूज करती होगी, ऑफ कैमरा कितना ज़्यादा इन लोगों के पीछे पड़ी होगी। जब ऑन कैमरा बंदी DNA वाली बात को अपनी ननन से लिंक कर सकती है, जबकि इस समय DNA की कोई बात भी नहीं है। अब भविष्य में आने वाले टाइम में क्या होगा नहीं पता, लेकिन पास्ट में अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो इसके बारे में पहले बहुत बार बवाले बन चुके हैं, बहुत सारे माफीनामे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी इस वाली बात को लाने का क्या मतलब बनता है। सिर्फ बनता है तो डॉलर बनता है, मुद्दा बनता है और कुछ नहीं बनता है, और दिखाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व की स्वामी हैं, स्वामिनी हैं। वाह जी वाह, तमाम लोग कहते हैं कि भाई बग्गी कौन सी कीचड़ फैमिली से जुड़ गई। हालांकि ये लोग दूसरों को कीचड़ कचरा कहा करते हैं, पर अब तो जो होना था वो हो चुका है। लेकिन देखो यार, अपने नेचर को कभी भी सुधारा जा सकता है। आप एक तरफ से कहते हो कि हम उन चीज़ों से निकल आए हैं, लेट गो कर चुके हैं, लेकिन ये लेट गो तो नहीं होता और आप उसमें घुसती चली जा रही हैं। इस जलन की भावना से आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेंगी। जी हाँ, क्योंकि जितना इंसान जलता है वो कुड़ता रहता है, कुड़ता रहता है, और चरम सीमा कुड़न की वो चरम सीमा पार कर जाता है।
इन दिनों आप ऐसे ही कर रही हैं, ऐसी ही हरकतें कर रही हैं। तो फिलहाल बग्गे के वीडियो में दिखाया क्या जाता है भाई, मम्मी कुछ बांट कर रही थी, बट हाँ अमरूद बांटे जा रहे थे हैं। तो बग्गे ने ऊपर से ही पूछा, ये सब हिसाब किताब करने के बाद सफाई उफाई है ना, दिमाग की सफाई नहीं घर की सफाई, बार बार याद दिलाऊंगी आपको, क्योंकि दिमागों में कीचड़ कचरा खासकर छुटकरनी के अनलिमिटेड भरा है। अब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आ गया, कभी भी फूट के ऊपर से बौछार निकल सकती है कचरे की। खैर चलो, तो भाई बग्गे ने पूछा कि मम्मी वो सामान सारा बांट दिया, वो जो बग्गे के यहाँ से आया था बांट दिया हैं। चलो ठीक है बग्गे, हमें पता है कि उधर से सामान आया है, तुमने बताया था यो मिठाई वो मिठाई, बेसन ओसन की कहानी हमने सब सुनी थी, लेकिन फिर भी बग्गे ने दोबारा से कंफर्मेशन कराया। चलो अच्छी बात है, ससुराल कमाल है, 10 बार बोलेगा ना ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो समझ सकते हैं उस बात को। अब एक नोटिस चिपकेगा दीवार पे कि हमारे घर में लगे हैं अमरूद, अपनी अपनी मनपसंद का अमरूद तोड़ के लेके जाइए। ये जिज्जी ने सुझाव दिया है कि मनपसंद का अमरूद तोड़ के लेके जाइए, ठीक है मानते हैं। अब बीच बीच में अपना खेत खलिहान भी बग्गा दिखा रहा था, कह रहा था कि यहाँ पर भाई साहब बहुत खरबंजर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई है, और आज बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ अपने खेत में देखने, यहाँ पे ये लगा है वहाँ पे वो लगा है, सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन करा रहा था। भिंडी में अब बरसात के बाद लगेगा, क्या क्या जो भी उसने लगा रखा है। साथ ही मम्मी जी को उसने एक चीज़ भी बोल दी है कि मम्मी कहाँ बांट रहे हैं अमरूद। चलो बांटने का शौक है ठीक है, ये सब मैंने लगाया है, क्रेडिट मुझे मिलेगा, कभी लगाया भी करो मम्मी जी बांटने का शौक है तो। हाँ पता है बग्गे, तुमने पेड़ पौधे बहुत लगाए हैं, वैसे बातों की झड़ी भी तुमने अक्सर बहुत ज़्यादा लगाई है, पर कोई नहीं। ये सारी क्रियाकलाप करने के बाद ये सब तैयार श्यार होते हैं और जाते हैं कहाँ, एक मंदिर। मंदिर कहाँ है ये दर्शकों, ऊना में। ये नाम हमने बहुत सुना है, ऊना में ये जो इनका स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार, मम्मी और दीदी का स्मार्ट बाजार, तो ये लोग स्मार्ट बाजार अक्सर जाते हैं और वहाँ से ये खरीदारी करते हैं। तो वहाँ पे एक शिव जी की प्रतिमा थी और ऊना से कोई रिलेटेड जगह थी, उसका नाम शिव करके कुछ उन्होंने बताया था, शिवगुड़ी या फिर कुछ ऐसा शब्द था जो कि मैं भूल चुकी हूँ। तो वहाँ पे ये लोग दर्शन करने गए थे, बग्गे को लग रहा था कि हम भगवान शिव की छत्र छाया में आए हैं। दीदी वाला वर्जन तो दीदी लेके आएंगी, अब लग रहा है कि जलनखोरी और जो इन्होंने उत्पात मचाया है अब उतने पे ही रुक जाएंगी, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा, भले गुस्से में बोल दिया कि तेरी बहन की फ़ोटो वैसी फ़ोटो वैसी फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो तो हैं 20, तो भाई अब कुछ ना कुछ तो ट्रैक बदलना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा था, दीदी ऐसी हरकतें मत करिए कि आपका जब बच्चा बड़ा हो तो वो शर्म करे, उसको लोगों से सुनना पड़े। मैं ये 2-3 बार ये मैटर उठा चुकी हूँ, बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, स्कूल कॉलेज भी जाएगा, और उसकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ ना खड़ा करिए। ऑलरेडी आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं, ऑलरेडी आप उसकी इतनी कमियाँ गिना चुकी हो, मर्द अपने आप को समझता है, आपके हिसाब से मर्द है नहीं, बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे दिखाया कि इसको घुटने रगड़ाऊंगी और अंत में तो मेरे ही पास आएगा चाहे जितना घूम फिर ले। तो ये यार, ये ज़िंदगी एक होती है, इस प्रकार की हरकतें करके कोई चैन सुकून से तो जी नहीं सकता। दूसरी चीज़ यार, अगर हम किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं रखनी आती है, हम दूसरे को भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, दूसरे के बारे में इतनी घटिया सोच रख रहे हैं, और मंगलसूत्र 16 श्रृंगार और जो सिंदूर वाली बात थी वो बस 2-3 दिन की वीडियो की कंटेंट का था पार्ट, अब वो फिर से हट गया है कि हमारा मन करेगा तो लगाऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं लगाऊंगी। तमाम लोग आके बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे मत बोला करो, पर आप लोगों को नहीं लगता, भक्ति करो, मैं उस भक्ति में आपको विघ्न बाधा नहीं पहुंचाऊंगी, भक्ति में शक्ति होती मैं मानती हूं, तो आप अपनी दीदी की भक्ति करा करिए। लेकिन आप सोचिए कोई बंदी इतना एकदम से कैसे चेंज होती है, क्या उसका माइंड स्थिर है, क्या वाकई में वो किसी मनोरोग से पीड़ित नहीं है? है, एकदम से कोई इतना स्विंग नहीं करता, एकदम से कोई इतना छलांग नहीं मारता, इतना तो शेयर मार्केट, वैसे कल शेयर मार्केट गिर गए, बड़कन्नी जिज्जी कहीं जिज्जा जी ने पैसा वैसा तो नहीं लगा रखा था? अरे वही भाई साहब, बांग्लादेश में इतना उत्पात मचा है जितना अमा छुटकन्नी जिज्जी ने मचाए रखा है, तो भाई साहब उधर भी छलांग मारा, इधर शेयर मार्केट लुढ़क गवा,
वैसे बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, जोमेटो वगैरह कितना बढ़िया जा रहा था, एकदम से धड़ाम से गिरा है। कोई बात नहीं, हमारे जिज्जा जी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो देख लो आजकल पैसा लगाने वाला है। मार्केट गिरा हुआ, कल तो बहुत ही गिरा था, आज थोड़ा सा अप हुआ है, ये तो हुआ शेयर मार्केट। अब मैं बस यही कहना चाहूँगी दीदी, ये सब हरकतें ना ही करिए, क्योंकि जो आपकी हरकतें हैं ना, ये आपके लिए तो खैर आपको ऐसे उगाना ना, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने की, आपको आदत है ऐसे जीने की, पर उसका मुक्त भोगी अपने बच्चों को मत बनाइए। वो बच्चा आपका भुगतेगा, आने वाले टाइम में लोग उसको टारगेट करेंगे, वो वाकई में कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। जिन बीमारियों को लेकर तुम लोग कंटेंट बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें एंजाइटी वगैरह से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की जो हरकतें हैं वो रुक नहीं रही, चरम सीमा पे बढ़ती जा रही हैं। बच्चे को भगवान के लिए इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मल्लयुद्ध करिए, अखाड़ा खोदिए। पहले बिग बॉस में सलमान खान कराते थे अखाड़ा वाला, कीचड़ कर देते थे, बीच में एक रास्ता बना देते थे और दोनों को एक गदा थमा देते थे कि जो सबसे पहले कीचड़ में गिरेगा वो हार जाएगा। 4-5 राउंड लगते थे और जो सबसे ज़्यादा गिर जाता था वो हार जाता था, और जो अपने आप को बैलेंस करके थामे रखता था जीत जाता था। तो वैसे अखाड़ा बना लो, तुम्हारे जगह जमीन है ही है, खेत खलिहान है ही है, और पग्गा अपना काम कर देगा, मिट्टी खोद के कीचड़ बना के पानी भर के, जाकर उधर पुल के पार से बुलाओ तुम इधर से, और एक दूसरे से मल्लयुद्ध कर लो, अखाड़ा कर लो, जौन करना कर लो। लेकिन भगवान के लिए जो मिट्टी के नीचे दबी हुई चीज़ें हैं अपनी और उनकी, वो ना निकालो तो बेहतर होगा, आने वाले टाइम में आपके बच्चे के लिए आसान होगा। वैसे दर्जों को ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसका आप लोगों ने भी विरोध किया है। एक कमेंट जो कि बग्गा के वीडियो में आया है, मैं पढ़ना चाहूँगी। ये ऊपर वाला घर नीचे वाला घर क्या होता है? घर एक ही होता है, सिर्फ उसका पोर्शन के नाम ले सकते हो कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन। जैसे तुम अभी छत के ऊपर काम कर रहे हो तो बोलो छत की सफाई कर रहा हूँ। वाइटी ने लगता है कि घर के बात को भी दो घर बना दिया है बांट कर, और ये क्या चीप लोगों की मेंटालिटी है ऐसा, भाई सब्सक्राइबर्स का कहना है। तो देखिए, इसमें बग्गा ऐसा नहीं कह सकता कि हम ऊपर वाले घर की सफाई अपने घर अप मतलब घर की सफाई कर रहे हैं। ऊपर वाला घर उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दीदी ने बोला है हमारा घर। पहले तो उन्होंने ये भी बोला था कि ऊपर वाले घर का नाम रखेंगे पापा जी के नाम पे, और नेम प्लेट भी पापा के नाम पे बनवाएंगे, लेकिन वो तो सिर्फ कंटेंट ही था, दीदी कब का भूल गई पापा के नाम का नेम प्लेट लगवाने का। अब अगर बग्गा बोल भी देगा कि ऊपर वाला घर या फिर हमारा घर, तो भाई साहब दीदी खुन्नसाए जाएगी, वो हमेशा बोलती है मेरा वाला पोर्शन नहीं, मेरा वाला घर। तो भाई साहब अब जब वो दीदी का घर अलग है, भले बग्गा की छत पे बना है, लेकिन बग्गा की छत भी तो सुना है दीदी ने ही बनवाई है। वाइटी के जो रोकड़े हैं उससे दीदी ने घर का काम कराया है, तो ऊपर नीचे तो एक ही घर है वैसे, और मालकिन भी एक है, लेकिन उसकी दया दृष्टि तो देखिए, उसने नीचे वाले घर बग्गा को बोल रखा है, मम्मी को बोल रखा, दुपट्टा का बोल रखा। वैसे दुपट्टा का नाम कभी नहीं लेती हैं, जलन खोर दीदी कैसे नाम लेंगी भाभी जी का। खैर एक कमेंट और है, दुख के टाइम जो साथ देता है वही हमारा होता है, कभी मत छोड़ना। असल में अमरूद की बात थी, तो एक किसी अंकल के नाम अंकल का नाम लिया जा रहा था। आंटी जी को याद है, क्योंकि दुख के टाइम उन्होंने मेरा साथ दिया था जब पापा जी इनके इस दुनिया से चले गए थे बग्गे के। तो अंकल जी का एहसान अभी भी आंटी मानती हैं, अमरूद वगैरह या फिर कुछ भी होता है। तो एक ताई जी मुँह बोली बहन, उनको कभी कभी दुख में साथ मामा जी देते हैं, जो कि आजकल मामा जी का नाम नहीं लिया जाता है, पहले बहुत बोला गया था जब बग्गे की शादी थी ना उस टाइम, कि मामा जी ने हमारे गैस चूल्हा ला के दिया था, अनाज भरवा देते थे, हमारा घर बनाने में सहयोग किया। अक्सर मामा जी का बहुत बहुत सम्मान दिखाया था, बहुत बहुत बातें की गई थी। एक बार छुटकन्नी या बड़कन्नी ने किसी में से एक महिला, मतलब एक लड़की ने, महिला बोले गुस्सा आ जाइए हमको, चटकने चटकना मार के मार गलथरा लाल कर देगी भाई साहब, महिला नहीं लड़की। तो जी इन दोनों लड़कियों में से किसी लड़की ने बोला था माँ जैसे मामा, वैसे माँ जैसे मामा की अब याद नहीं आती, तुम सबको भूल गए, कंटेंट है जी कंटेंट।
और वक्त की नज़ाकत, वक्त की ज़रूरत, इन लोग बेहद अच्छे से उस चीज़ को बढ़िया से यूज़ करते हैं कि वक्त के अनुसार जो चीज़ें यूज़ करनी है यूज़ कर लो और फिर उसको बाय बाय टाटा गुड बाय कर दो। वैसे अब बग्गी जब आ जाएगी एक नहीं तो दो दिन में, बग्गी ने कल मम्मी से रिलेटेड कुछ बातें करी थी तो आज बग्गे ने भी अपनी माँ का योगदान याद किया कि जिस टाइम मेरी माँ, हम सब छोटे थे, हालांकि जो है हमारी झूठ की दीवानी बड़ी थी दीदी, लेकिन उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि ये घर कैसे होता, छत कैसे देखनी, कहाँ क्या करवाना, कहाँ क्या नहीं करवाना। तो मैं सोच सकता हूँ कि मेरी माँ ने किस प्रकार से हम सब के लिए किया है, और मैं चाहे जो भी कर लूँ जिस भी हद तक चला जाऊँ, माँ का एहसान कभी उतार नहीं पाऊँगा। तो पगले, माँ आपको जन्म देती है वही उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। माँ एहसान की क्या बात है, एहसान तो तुम कैसे भी इस रिश्ते का नहीं उतार पाओगे, और तुम का कोई भी दुनिया का व्यक्ति माँ और पिता के बदौलत इस धरती पर आता है, तो भाई अब इसमें कुछ अलग तो नहीं है। हाँ, लेकिन इनको सबको ये ज़रूर लगता है कि इनकी माँ ने सिर्फ स्ट्रगल किया है। क्या अंकुश की माँ ने कुछ स्ट्रगल नहीं किया? उस माँ की यहाँ पर किस प्रकार से सोशल मीडिया पे इस समय उसकी कागजी बहुरिया, मतलब क्या क्या नहीं करवा रही है, कागजी भाभी ननद के बारे में, कागजी बहुरिया सास के बारे में इस समय जो पटर पटर जो जवाब दे रही है। अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, पहले मैं कुछ भी बोल दिया करती थी, लेकिन जब से मैं 30+ हुई हूँ तब से मैं मैच्योर हो गई हूँ। मेरे अंदर मैच्योरिटी का लेवल बहुत अप हो गया है। कुछ लोग तो बच्चे बने रहते, स्टूडेंट बने रहते, कॉलेज गोइंग बने रहते हैं। दीदी, वो मैच्योरिटी होता है? हाय दैया रे दैया, अच्छा है कि हम सारे लोग इस तरीके के मैच्योर नहीं हैं। हो सकता आप में से कुछ तमाम लोग जो हमसे बड़े भी हों, छोटे भी हों, वो भी इस लेवल के मैच्योर नहीं होंगे जिस लेवल के हमारे जिज्जी मैच्योरिटी। वैसे तुम सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है टरू वालों कि इस प्रकार की मैच्योरिटी अपने घर परिवार में ना दिखाना। अगर किसी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा या ऊंच नीच घर परिवार में हो जाए, लेने देने पड़ जाएंगे। मुँह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आप लोग समझदार तो हो ही। तो बग्गे का ये जो वीडियो था, इसमें बस ये दिखाया गया। दीदी का भी हो सकता है अभी तक तो नहीं आया है, मैं भी शाम तक आ जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है ना, अब बस करो, अपने बच्चे के बारे में सोच लो, और जो करना है तुमको साथ में रहना है रहो, दोनों लोग रह सकते हो रहो, नहीं रह सकते हो अलग अलग रास्ते करो। इस चीज़ को और 3-4 साल से जो खींच रहे हो ना ही खींचो, खासकर छुटकन्नी जिज्जी। तुम्हार जो ये है कि घुटने रगड़ाऊंगी, टॉफ़ी नहीं है तुरंत ना मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस तो मैं तुमको दूंगी नहीं, तुमको लौट के यहीं आना पड़ेगा। वाह जिज्जी वाह, मतलब ये तो वही वाली चीज़ हो गई कि भाई साहब तुम जो करना है कर लो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। लेकिन ये चाहत कौन सी, आप सबको पता है, ये चाहत भगवान न करे कभी कोई किसी से लगा हुए। वैसे बग्गे के वीडियो में भर भर के प्यार मिल रहा है, इसीलिए बग्गे ने हेल्पफुल रिव्यू लगा रखा है। 3000 से ऊपर व्यूज हो चुके हैं लेकिन सिर्फ 12 कमेंट। तो समझ जाइए कि छुटकन्नी जिज्जे के बारे में किस प्रकार से लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे। लेकिन भाई बग्गा का करे, पब्लिक कर नहीं सकता, न छुटकन्नी जुजी का कब मुंह सूझ जाए पता नहीं। वैसे ही लोग जो मेलम गए थे तो वहाँ बग्गे ने अपने जन्म दिवस के अवसर पे अंकल जी की दुकान से शायद अपने भांजे को ट्रैक्टर दिलवाया है, और मम्मी जी को शायद पंखा 200 रुपया वाला। अब दिलवाया है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर ये लोग देख रहे थे तो खरीदारी में लग रहा था कि अब खरीद लिया जाएगा। बाकी आज बग्गे का जन्म दिवस है तो बग्गा तुमको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही जीते रहो, ऐसे ही तरक्की करते रहो, लेकिन भगवान के लिए इस प्रकार के टाइटल ना ही लगाया करो जो गुमराह करें। और भगवान के लिए जो आपके घर में गुरु माताएं हैं, खासकर छोटकन्नी बड़कन्नी, उनके पग चिन्हों पर ना ही चलना। मतलब पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, दूसरे ढंग से भी तुम वीडियो बना सकते हो। बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए दिल से करते हैं, जो कीचड़ उचड़ साफ किया। बग्गे को बहुत अच्छा लगा, बग्गे कोशिश करना जिज्जी के दिमाग का भी कीचड़ थोड़ा साफ करने का। सावन के महीने में ज़रूरी होता है ये सब,
तो सावन के महीने में कीचड़ और कचरा साफ करना बेहद जरूरी होता है। अरे भाई साहब, हरदम डुबल का है सोचते हो, इसलिए दिमाग का कीचड़ नहीं, छत का पाइप भी तो आपका जाम हो सकता है, पानी नहीं निकलेगा, समझे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले भैया लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।